टीवी देखता है इंडिया। जिले की एक सरकारी स्कूल के 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलग अलग जगह पर इलाजरत बच्चे जैसे ही स्कूली ड्रेस में पहुंचे, चिकित्सकों के भी होश उड़ गए। उल्टी और दस्त से बच्चों की हालत पस्त हो गई। मामला नवगछिया के झल्लूदास टोला मध्य विद्यालय दुर्गास्थान का है। बताया जाता है कि मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील खाने के बाद लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चे अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए ले जाए गए। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत झल्लूदास दुर्गा मंदिर मध्य विद्यालय के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र मिड डे मील खाने के बाद बीमार हो गए। बच्चे उल्टी दस्त इतना करने लगे जिससे विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना स्थानीय शिक्षकों के द्वारा छात्रों के अभिभावकों को दी गई। इसके बाद अपने सहयोग से लोगों ने बच्चों को निजी अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को मिड डे मील भोजन तालिका के अनुसार दाल चावल सब्जी था, जिसे सभी बच्चों ने खाया। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे खाने के बाद उल्टी दस्त करने लगे, जिसमें अंकुश कुमार कक्षा 4 का, संजय कुमारी कक्षा 5, प्रिंस कुमार कक्षा 3, अजय कुमार और कई बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार हो गए। इस घटना के बाद प्रभारी प्रधान अध्यापक के द्वारा कई बच्चों को 83 निजी चिकित्सालय एवं रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्रभारी प्रधान अध्यापक रामोत्तर पासवान ने बताया कि घटना की जानकारी बड़े पदाधिकारियों को दी गई है। उन्होंने कहा, मिड डे मील किस तरीके से बनाया गया था, हम लोग इसकी भी जांच कर रहे हैं। भागलपुर से अंजनी कुमार की रिपोर्ट, आईवी टीवी। आईवी टीवी देखता है इंडिया।